महाराष्ट्र में कांग्रेस को मानने वाला बड़ा वर्ग है, और मुझे लगता है कि जो मैंने विदर्भ में दौरा किया हूँ, 7 दिन में जो दौरे को मुझे रिस्पांस मिला, बारिश में हो धूप में लोग खड़े 6 6 7 7 घंटा कांग्रेस का इंतजार करते हुए मैंने देखा, तो मुझे और उम्मीद मेरी और मजबूत हुई कि महाराष्ट्र में कांग्रेस को चाहने वाला बड़ा वर्ग है और वो चाहते कि कांग्रेस खुद के बलबूते पे पुनः महाराष्ट्र में आए, ये लोगों की भावना है और उसका मैं सम्मान करता हूँ। तो क्या विधानसभा चुनाव कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए जब इतनी जनभावना बन रही है? बिल्कुल, हमने कहा डिक्लेयर कर दिया हमने, कांग्रेस विधानसभा और स्थानीय लोकल बॉडीज इलेक्शन कांग्रेस खुद के बलबूते लड़ेगी। लेकिन तो क्या कांग्रेस सीएम का चेहरा कौन होगा? वो हाईकमांड डिसीजन करेगा, कांग्रेस आप अगर बताते हैं। मैं हाईकमांड डिसीजन करेगा, हाईकमांड ने मुझे बोला तो बिल्कुल मैं तैयार हूँ। अगर कांग्रेस कांग्रेस अगर अकेले पक्ष लड़ती है तो आपको भरोसा है क्या कि अकेले सत्ता में लौट सकती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे अगर अगर जिस तरीके से कांग्रेस अकेले अगर चुनाव लड़ती है तो क्या भरोसा है कि अकेले वो सत्ता में लौटेगी? बिल्कुल, कांग्रेस पूरे बहुमत से अकेले सत्ता में आएंगी महाराष्ट्र में, छोटे दल को भी हम साथ में लेंगे उसमें, और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस को खुद के बलबूते में सत्ता में आने के लिए ना, कोई मुश्किल नहीं है। पवार साहब ने कहा था कि महाविकास आघाड़ी जो है वो अगले इलेक्शन एक साथ लड़ेगी और अच्छे परफॉर्मेंस उनका रहेगा, तो क्या आपका यह वक्तव्य जो है जहां पे आप कह रहे हैं कि कांग्रेस अलग से लड़ेगी, तो क्या कांग्रेस अभी पुल आउट करने के कगार पे है? ये 5 साल उद्धव जी की ठाकरे जी की जो सरकार है उसमें कांग्रेस का पूरा समर्थन है, 5 साल हमारे तरफ से उद्धव ठाकरे जी की सरकार को कोई भी तकलीफ नहीं है। रहा पवार साहब ने जो कहा है उनके पार्टी का मत जाए डिक्लेयर किया, हमने हमारे पार्टी की बात रख दी है कि हम खुद के बलबूते लड़ेंगे। अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती है तो क्या बीजेपी को फायदा होगा क्या, क्योंकि 3 अलायंस पक्ष अगर तो सत्ता में हैं तो उसका बीजेपी को नुकसान हो रहा है, आपके ज्वाइंटली वोटर्स जा रहे हैं। देखो, बीजेपी की रणनीति के बारे में लोगों को अब समझ में आ गया है, कैसे कैसे धर्मों में और जातियों में लड़ाते हैं। आज भी ये सरकार को 1.5 साल पूरा हुआ, ये सरकार जब से आई तब से कितने जातियों को लड़ाने का काम पर्दे के पीछे में कैसे कैसे रहकर ये लोग काम कर रहे हैं, ये लोगों को भी समझ में आ रहा है, और इसलिए बीजेपी का असली चेहरा लोग समझ गए हैं। मैंने कहा जब भी कि संजय राउत ने जो परसों बात कही थी कि बीजेपी ने शिवसेना को गुलाम बनाने की कोशिश की थी और इसलिए हमने इनका साथ छोड़ा, मैं संजय राउत के जी के वक्तव्य को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि देश की नरेंद्र मोदी की बीजेपी की सरकार ने देश की जनता को गुलाम बनाने की व्यवस्था बनाई है और ऐसे समय में बीजेपी का असली चेहरा लोगों के सामने आया है। बीजेपी की तो आने वाले इलेक्शन में क्या स्थिति रहेंगी उसका अंदाज आपको पता लगेगा।